लेकिन जिनको कमी निकालना है ना वहाँ से भी निकाल लेते हैं। जिंदगी में जो भी कोई कुछ अच्छा तरक्की कर रहा है उससे जलने में रहेंगे तो खुद तरक्की नहीं कर पाएंगे। अपना ही जो माँ का पेंशन है, पेंशन बैठ करके यहाँ पर खा रहे। तो भगवान के दरबार पर एक माँ खड़ी है तो उसका आंसू जो है किसी भी बुरा करने वाले को क्षमा नहीं करता। और माँ ऐसा क्यों बोली बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि माँ इतना गुस्सा में क्यों है। हर चीज को नहीं डस्टबिन में डाल देता है। प्रिया ऐसा मत करो, हर चीज को डस्टबिन। और यहाँ पे जो है पति देव अपना कर रहे हैं ब्रश। तबीयत खराब हो गया। अच्छा, खबर कर दे। और यहाँ पे माँ कर रही है पूजा। पूजा हो गया माँ? हाँ, पूजा संपन्न हो गया। तुलसी में जल देना बाकी है। गोता को प्रसाद दे दिए। हाँ, प्रसाद लेने के लिए खड़ा रहता है। क्या बोले माँ? हम तो कभी भी हमारे जो बेटा का सोशल मीडिया पर दर्शक है, हाँ, हमेशा आप लोग के लिए जो बड़े हैं उनको प्रणाम करती हूँ। जो समकक्षी हैं उनको हमेशा नमस्ते करती हूँ। छोटे को आशीर्वाद देती हूँ। मैंने कभी किसी के लिए ना बुरा सोचा ना बुरा बोला, हाँ, ना बोलेंगे। भगवान के मंदिर में खड़े होकर कहते हैं। लेकिन एक उम्मीद है, हाँ, जो हर माँ बाप, हाँ, अभी माँ बाप होंगे या नहीं होंगे तो हो ही जाएंगे, तो वो हमेशा चाहते हैं मेरा बाल बच्चा जो हमसे एक बीता बड़ा जरूर हो जाए। उसी प्रयास में आज तक लगे हुए हैं। इसके लिए अगर आप आशीर्वाद कर देते हैं तो बच्चे को डिमोटिवेट ना करें। अगर करते हैं तो भगवान के दरबार पर एक माँ खड़ी है तो उसका आंसू जो है किसी भी बुरा करने वाले को क्षमा नहीं करता। हम तो कमज़ोर हैं ना, मेरे पास लाठी है ना, बंदूक ना गोली ना अप्रोच कुछ भी नहीं है। सिर्फ मेरा भगवान के दरबार में भक्ति है जिसका मुझे ताकत है। अगर उनके दरबार में न्याय होगा तो गलत सलत बोलने वाले का हिसाब होगा। बस इतना ही कहते हैं। लेकिन तब भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका कभी बुरा ना हो और आप को समय रहते भगवान सदबुद्धि दे कि किसी के लिए अच्छा अगर नहीं बोल सकते हैं तो बुरा शायद नहीं बोलिएगा। और माँ ऐसा क्यों बोली बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि माँ इतना गुस्सा में क्यों है। और क्रियांश जो है ना चैन से 2 सेकंड किसी को रहने नहीं देता है। और किसी का परिवार कैसे चलता है नहीं चलता है वो अपने अनुसार जीता है। तो हम आप लोगों को प्राइवेट कभी सड़क पर या कभी किसी मंदिर पर या किसी जगह में कहीं भी मुलाकात होती है तो मैं किसी से कभी ना परिवार के बारे में पूछते हैं ना किसी परिवार में क्या चल रहा है, ना किसी के बेटा के बारे में पूछते हैं, ना हम पूछे, क्योंकि आपका अपना परिवार आप अपने अनुसार रखिएगा। मेरा परिवार है हम अपने अनुसार रखते हैं। तो हमको लगता है किसी दूसरे को भी अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा बात पूछते हैं बहुत खुशी होती है, खराब बात पूछते हैं जवाब तो नहीं देते हैं। लेकिन भगवान के चरण में इस बात को समर्पित जरूर कर देते हैं कि ऐसे लोगों का न्याय आप स्वयं करते हैं, क्योंकि आप सबका हिसाब करने वाले हो। हाँ। भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो 3 लोक के मालिक है, विधाता, हाँ, उनको भी क्षमा नहीं हुआ। तो हम लोग तो साधारण आदमी हैं। हमको सिर्फ भगवान के दरबार का भरोसा है। जो कहीं भी मेरा बाल बच्चा परिवार पति और जो भी सच्चे लोग हैं सबकी रक्षा स्वयं शिव करेंगे और आपका भी करेंगे। लेकिन हाथ जोड़ के कहते हैं कि किसी के परिवार में झांकने का कोशिश नहीं कीजिए। किसी के बाल बच्चे को नीचा मत दिखाइए। अगर ऊपर नहीं चढ़ा सके, ऊपर तो ऊपर वाला चढ़ाएगा, आपके चढ़ाने या नहीं चढ़ाने से कुछ नहीं आने जाने वाला है। लेकिन बोल के नीचा मत दिखाइए। तो माँ हर एक कमेंट पढ़ती हैं। और माँ ये क्यों बोल रही हैं आराम से मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि नीचा भी हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमसे ताकतवर नीचा दिखाने वाला सबको है। तो समय अनुसार हिसाब कर लेंगे। हाँ, देखिए जो है ना 1 सेकंड में सारा सामान निकाल दिया पूजा रूम। ये तो कितना मारता है, कितना मारता है लड़का ये हमको। दांत काट लेंगे तुमको, दांत काट लेंगे तमाम तुमको। जा बाय बाय कर चाचू, चाचू बाय कर दो। कितना बंदर लड़का हो गया है, कितना बंदर लड़का हो गया। क्रियान, क्रियांश का बर्थडे आने वाला है और क्रियांश जो है बदमाशी और करने सीख गया। बाय बाय चाचू बाय। अब पूछी डो पूछी ये सब नीचे जाने की खुशी मिले। अभी देखो पूछी डो पूछी डो पूछी डो पूछी डो अच्छा पूछी डे पूछी डे पूछी डो
1 hour later. तो यहाँ पर जो है जी माँ साड़ी लेकर के बैठी हुई है और यहाँ जो साड़ी है माँ पहनने वाली है पर्व में, और साथ में जो हम लोगों की यहाँ पूजा होने वाला है क्रियांश के जन्मदिन पर, तो उस उपलक्ष पर जो है माँ पहनेगी और माँ से पूछते हैं कैसा लगा साड़ी। साड़ी तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा दिया तो हर माँ का अरमान होता है कि मेरा बेटा कमाए और हमको गिफ्ट दे, मुझे कितना भी है इसलिए फिर भी दिया जाता है तो बहुत खुशी होती है। और माँ का जो है साड़ी जो है हम लोगों को ढूंढने में इतना मेहनत लग रहा था, हम तो कह रहे थे कि हम साड़ी नहीं लेंगे, सीधे दीदी को लेकर के आएंगे अपना पसंद करेगी, क्योंकि कई बार होता है कि साड़ी लेकर के आता है माँ कहती है कि पसंद नहीं आया। तो देख सकते हैं जी क्या हो रहा था कि नहीं, बहुत सारा साड़ी में बॉर्डर मिल जा रहा था शायद, वो झालर टाइप से होता है किनारे। क्या हो रहा था ना कि उन्होंने बोला कि कितना तक दिखाए, हमने बता दिया यहाँ तक दिखाई है, सिल्क में जो है माँ बोली हमको कोई वर्क नहीं चाहिए। हाँ कोई वर्क नहीं चाहिए, प्लेन चाहिए। प्लेन चाहिए तो वो उस चीज को ढूंढने में हम लोगों को दिक्कत हो रहा था। प्लेन में हमारा मन भी नहीं है कि बहुत महंगी साड़ी पहने, थोड़ा अच्छा लगे और मर्यादित है। बस तो वो क्या सिल्क हो या कॉटन, दुकान वाले भैया कह रहे हैं एक बात बताइए आपकी माँ सबसे सस्ता साड़ी क्यों पसंद कर रही है, इतना अच्छा अच्छा साड़ी दिखा रहे हैं, पहचान रहा है। उस दिन हमको फोटो नहीं दिखाओ या नहीं दिखाई हो पाई तो उसको बोले नहीं ये सब नहीं, अच्छा दिखाइए और उसमें कोई वर्क ना हो तो फिर ये वाला दिखाए। चलिए ये चीज अच्छा लगा। हमको बोली भी थी कि हमको ग्रीन कलर का साड़ी देना, और पहनने की जहाँ तक बात है ग्रीन कलर की साड़ी है, तीज के अवसर पर इसको पहनेंगे। अभी मेरा भाई दिया है साड़ी पूजा के अवसर पर। अच्छा पूजा के अवसर पर वही पहनेंगे, चलो बढ़िया। और इसके अलावा जो है यहाँ एक और साड़ी है, ये साड़ी रितु लाई है, छोटी है लेकिन फिर भी इतना बड़ा दिल दिखाई है, इसलिए ये साड़ी पूजा में पार्वती माता को चढ़ाने के लिए, इसलिए हम इस साड़ी को पार्वती माता के चरण में समर्पित कर रहे हैं कि उनकी देर से बेर उनकी दया हो जाए, क्योंकि आप लोग जो कमेंट करते हैं कि माँ बाप का माँ के पेंशन पर आधारित है तो उससे ऊपर हो जाएगी दया होगी, शायद हमको लगता है आप लोग का बोलना। तो माँ को तो साड़ी दिखा दिया जी, और माँ को तो साड़ी पसंद आया ही जैसा कि आप लोगों ने देखा, काफी अच्छा लगा। और उसके बाद जो है माँ का थोड़ा बहुत जो है दर्द सामने आ ही जाता है, सोचती है कि नहीं बोले, लेकिन माँ है जी, अगर किसी तरह का कुछ भी उनके बच्चे के बारे में गलत तरह का कमेंट आएगा तो जाहिर सी बात है जी किसी माँ को तो खराब लगेगा ही, और सबका कमेंट पढ़ती है। बिल्कुल, और सारा कमेंट पढ़ती है वो, तो एक बार तो हम कभी कभी सोचते हैं कि माँ को जो है ब्लॉक कर दे और माँ जो है नहीं देखे कुछ भी वीडियो ना ही कोई कमेंट, क्योंकि ना देखेगी ना किसी तरह का कुछ पढ़ेगी और ना ही कभी कोई परेशानी होगी, परेशान हो जाती है। और जबकि ये बात होता है जी कि अगर मान लीजिए किसी वीडियो में हमारे 100 कमेंट आ रहे हैं, 150 कमेंट आ रहे हैं, 200 कमेंट आ रहे हैं, तो 190 तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा मुझे मालूम है, लेकिन उसमें से 5-10 जो नेगेटिव रह जाएगा, तो नहीं कहते हैं हर पॉजिटिव के बीच में कुछ नेगेटिव मिल जाए तो आपका दिमाग वहीं पर चला जाता है। फिर से बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि जिया दीदी मैंने सबका देखा है कमेंट बॉक्स खोल के, सिर्फ एक आप ही है जिन पे एकदम नेगेटिव कमेंट, वैसा नेगेटिव कमेंट नहीं रहता है जिस तरह से बाकी क्रिएटर सब में देखते हैं, तो वो देखते हैं जी। और बाकी जी जहाँ बात रही कमी निकालने की, तो आप दुनिया में कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी रहे कैसे भी परिस्थिति में रहे, अपने तरफ से 100% दे दे, सोचेगा अब यहाँ से कोई कमी नहीं निकाले, लेकिन जिनको कमी निकालना है ना वहाँ से भी निकाल लेते हैं। अरे हम लोग भगवान भी है, इंसान है, ये चीज समझना चाहिए, भगवान में ही कोई कमियां नहीं होती। अभी हम आपको जैसे एक उदाहरण देते हैं, जानते हैं हम थे जब हम वहाँ दिल्ली में थे और चंडीगढ़ में थे, तो उधर ही कंपनी था अपना, तो वहीं पर अपना कामकाज सब कुछ चल रहा था, तो वहाँ जब रह रहे थे ना तो उसी समय हम लोगों ने अपना सोशल मीडिया पर वीडियो भी डालना स्टार्ट कर दिया था, तो उस टाइम कमेंट आता था कि जिया जो है अपने सासू माँ को छोड़ करके वहाँ रहती है, कैसा बेटा है, अपने माँ बाप के पास नहीं रह रहा है या बाहर आकर के रह रहा है, उन सबको जबकि ये बात मालूम होगा, हो सकता है कि पुराना वीडियो सब भी देखे हो सकता है, कुछ लोग नहीं भी देखे हो कि ये भाई साहब का यहाँ पर काम है इसलिए यहाँ पर है, लेकिन वहाँ भी फिर ये चीज माँ बाप को छोड़ करके बाहर रह रहे हो, ये सब चीज तुम क्या कामकाज अपना वहाँ नहीं कर सकते हो, सब कुछ वहाँ नहीं देख सकते हो। फिर क्या हुआ जी, क्रियांश आया हमारे जिंदगी में, तो क्रियांश जब पेट में था, जब लगभग जिया का 5 महीना या 6 महीना हुआ था, 7th month था, तो हम बाहर नहीं जाते हैं, बिल्कुल 7th month में ही हम घर आ गए थे, तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए घर। फिर जब घर आ गए तो भगवान की दया से जो है जैसा हम चाहते थे कि हमारा बच्चा चंचल हो, थोड़ा नटखट हो, तो वैसा बच्चा हमारी जिंदगी में आया, और क्रियांश सच में जी अच्छा खासा चंचल है, घूमता फिरता रहता है इधर उधर, तो उसको जो है हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो वही लगता है कि अगर अभी हम बाहर चले जाए तो क्रियांश का जो केयर होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, और जो हम लोगों का काम है वो भी नहीं हो पाएगा, और भगवान दया से अभी वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है,
तो मुझे कोई भी ऑफिस में जाने की जरूरत भी नहीं है। तो यही वजह है जी कि हम लोग यहाँ पर है। और दूसरी चीज है, मुझे अपने घर में बहुत प्यार मिलता है और काम भी चल रहा है, तो और क्या चाहिए, घर छोड़ के कौन चाहता है बाहर। बिल्कुल, अपना घर में रहे रहे अपना अच्छा खासा काम चल रहा है, रोजी रोटी चल रहा है, ज्यादा प्यार मिलता है यहाँ पे। वो अच्छे से उसको एक जितना केयर करना होता है सब कुछ यहाँ पे मिलता है। उसकी स्कूलिंग स्टार्ट होगी तो फिर हम लोग सोचेंगे। बिल्कुल जी, तो उसकी स्कूलिंग के समय हम लोग देखेंगे, और फिर जब वो स्कूल जाएगा तब हम लोग को कम से कम 3-4 घंटा अपना समय भी मिलेगा, जो जिस बीच में हम लोग काम कर सकेंगे। अभी ऐसा हाल होता है कि एक आदमी जब तक नहीं पकड़ता है तब तक काम नहीं होता। पहले तो ये था कि जो मेरा पर्सनल काम था बस वही काम था, अब है कि सोशल मीडिया का भी काम है। और सबसे टफ काम है, बिल्कुल आज तक मैंने जितना भी काम किया है, मेरा जॉब सबके फील्ड में या किसी भी कह सकते हैं कॉर्पोरेट फील्ड में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए 10 या 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन सही बात कह देते हैं जी, सोशल मीडिया से जो ज्यादा टाइम टेकिंग काम है, इतना टाइम नहीं लेता है कोई भी काम, और जितना आपको दिमाग लगाना पड़ता है। वीडियो तो भले आपको दिखता होगा 10 मिनट का या 1 मिनट का रील पर आपको दिखता होगा, लेकिन उसके पीछे हम लोगों को जो है आखिर क्या डाले क्या नहीं डाले वो सब सोचना पड़ता है। क्योंकि तो अच्छा हम वो चीज नहीं दिखा सकते हैं जिससे नेगेटिव मैसेज आए, हमें हमेशा कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव चीज। तो पॉजिटिव रहते हुए एक तो ये रहता है कि एक पॉजिटिव मैसेज जाए, ऊपर से दूसरा चीज ये रहे कि उस पर लोगों का व्यू भी मिले, उस पर थोड़ा अटेंशन भी मिले। क्योंकि जाहिर सी बात है जी, कोई भी सोशल मीडिया पर अगर आ रहे हैं तो जब उनको व्यू मिलता है तो एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ हमने जो बिल्कुल हमने जो ये काम किया इसका एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ये चीज है। तो ऐसे ही सब कुछ काम चल रहा है जी। और बाकी क्या कहे जी, जो लोग निगेटिव कर रहे हैं उनसे यही कहेंगे थोड़ा पॉजिटिविटी में आइए, दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया बहुत बेहतरीन है, और थोड़ा हंसिए थोड़ा मुस्कुराइए। ऐसे ही अगर दूसरे की कमी निकालने पर अपना फोकस डालेंगे तो हमेशा निगेटिव ही रहेंगे। जिंदगी में जो भी कोई कुछ अच्छा तरक्की कर रहा है उससे जलने में रहेंगे तो खुद तरक्की नहीं कर पाएंगे। अपने काम पर फोकस करिए जी। मुझे ध्यान है कि जब मेरा गाड़ी आया था तो उसके ऊपर भी कमेंट कुछ कुछ कर रहे थे इस तरह कि यह जो गाड़ी है इसकी माँ ने खरीदा है, इसकी माँ ने अपने पेंशन के पैसे से खरीदा है और यह उस पर चल रहा है। जी हाँ, और उसी से ध्यान आया पेंशन और इन सब चीजों से, कुछ उसका कमेंट यह भी आता है कि यह तो काम ही नहीं करता है, अपना ही जो माँ का पेंशन है पेंशन बैठ करके यहाँ पर खा रहे। तो ऐसे ऐसे भी कमेंट आते हैं। तो आप लोगों को कहना कि अगर आप ये लोग कहते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ सच में ऐसा है, ठीक है हाँ सच में है, वो मेरी माँ है तो वो हमें खिला हम तो अपने आप को जी लकी समझते हैं कि हमारी माँ इस काबिल है कि हम लोगों को खिला सकती है, हमें गाड़ी दे सकती है, और गाड़ी दे करके अपना चढ़ने की जगह कहेगी बेटा बहुत तुम जा करके घूमो पूरा दुनिया ये सब चीज। हाँ। तो अगर ऐसी माँ हमें मिल गई है जी, हम तो बहुत अपने आप को लकी समझते हैं। आपको नहीं मिली तो उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। लगता है कि जो पिछला जन्म होगा उसमें कुछ जो है अच्छा कर्म करा होगा हमने, जो ऐसी माँ मिली है हमें। और बाकी अच्छा कर्म करिए, दूसरे के घर में मत झांकिए क्या कौन कर रहा है, कौन कमाता है कौन नहीं कमाता, अपना अच्छा कर्म कीजिए। और देखिए जी, गाड़ी किसका है, हम क्या काम करते हैं नहीं करते हैं, हमको आपको जस्टिफिकेशन देने की क्या जरूरत है ना। हाँ। तो आपको जो कमेंट करना है करते रहिए। और बाकी जो जैसा कि मैंने बोला, मैं बार बार बोलते रहता हूँ इस बात को कि अगर मान लीजिए 100-150 कमेंट आते हैं तो मुश्किल से 5-10 ऐसे कमेंट रहते होंगे, तो बस 5-10 ऐसे लोग हैं लगभग इग्नोर ही करते हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि मतलब हम तो कुछ भी बोले जा रहे हैं जो है, या कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है, तो सोच रहे हैं कि डर रहा है या कुछ पता नहीं क्या उनकी मानसिकता होगी हमें नहीं पता। फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया पे 4 साल होने वाला है। हमारी जो माँ है, माँ तो माँ ही होती है ना, वो कमेंट पढ़ती है तो उनको थोड़ा सा खराब लग गया, इस वजह से वो थोड़ा भावुक हो गई। बाकी मुझे पता है कि मुझे प्यार करने वाले लोग बहुत सारा है, बस चंद यही लोगों बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चंद लोग हमारी रियल जिंदगी में भी होते हैं। तो आप ऐसा करते हैं जी, आपको जो करना है करते रहिए, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए या चुगली करते रहिए जो करना है, या कुछ ना कुछ कमेंट करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा चलिए, इससे एक बात का ये रहा कि आपको लगता है जिंदगी में कोई काम नहीं है, तो चलिए कुछ काम ढूंढ लीजिए समझे। तो ऐसा करते हैं जी, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं जो भी हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर होंगे उनको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथ ही नोटिफिकेशन का बर्थडे आने वाला है और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। बिल्कुल जी, और हाँ जी वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दीजिए, आपके एक शेयर से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।